दोस्तों हम जा रहे हैं पनीर का सब्जी बनाएंगे। इसका 3 टमाटर है इसमें, जा रहे हैं इसको पेस्ट बना के अलग से रख लेंगे। इसको पेस्ट बन चुका है, इसको अलग से निकाल देते हैं। देखिए हो गया। देखिए इसमें मसाला है इसका पनीर के लिए, लहसुन है और प्याज है, इसको भी डाल देते हैं। देखिए भाई इसमें लाल मिर्चा है, हरा मिर्चा मत डालिए, लाल ही मिर्चा डालिएगा, अच्छा स्वादिष्ट बनेगा। गोल के जीरा है और इलायची है, इसको भी डाल के जा रहे पीसेंगे। देखिए दोस्तों मसाला पीस के तैयार कर लिए हैं, अब इसको जा रहे ढक के रख देने के लिए। देखिए दोस्तों ये पनीर है, देखिए इसका कट कर रहे हैं, छोटा छोटा पीस में इसको कट करना है। इसको पहली बात तो बाज़ार से ख़रीद के लाइएगा ना, या घर में बनाइए तो हल्का पानी ऊपर से उझल के और कपड़ा में इसको पोंछ दीजिएगा, उसमें अच्छा है। इस छोटा छोटा पीस में इसी तरह करके कटिंग करना है। ज़्यादा बड़ा पीस नहीं करना है, इसी तरह कट करके रखना है। देखिए कढ़ाई में तेल डाल रहे हैं, इसको फ्राई करना है पनीर को, एकदम हल्का फ्राई करना है, ज़्यादा नहीं। देखिए डाल रहे हैं सबको, धीरे धीरे फ्राई हो रहा है। देखिए देखिए देखने में कैसा, हल्का फ्राई करना है, ज़्यादा नहीं। ज़्यादा फ्राई करने से क्या होगा, टाइट हो जाएगा, फिर खाने में अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए हल्का फ्राई करना है। अब हो चुका है ये, अब इसको निकाल देंगे। एकदम हल्का फ्राई हुआ है, देखिए सारा निकाल देंगे इसमें। देखिए जो बाकी बचा था उसको भी फ्राई कर लेंगे। देखिए फ्राई हो गया है, कितना सुंदर दिख रहा है। देखिए छोटा छोटा भाग में प्याज को कट करके तेल में इसको भी हल्का सा फ्राई करना है। देखिए फ्राई हो रहा है, देखिए हो गया। इसको ज़्यादा फ्राई नहीं करना, इसी तरह में उतार देना है। इसके बाद मसाला डाल रहे हैं, देखिए जो मसाला था पनीर के लिए पीसे थे उसी को डाल दिए हैं। हल्दी डाल रहे हैं,
स्वाद अनुसार नमक, इसको अच्छा से मिक्स करना है। देखिए फ्राई हो चुका है, जो पेस्ट बना के रखे थे ना टमाटर का, देखिए उसको भी डाल दिए। जब मसाला फ्राई हो जाएगा उसके बाद डालना है इसको। देखिए MDH का पनीर मसाला है, 10 रुपये में आता है, ज़्यादा महंगा नहीं है। उसको फाड़ के भी मसाला में मिक्स कर देना है। देखिए पूरा मिक्स हो चुका है, तो मैं अच्छा से इसको मिक्स करना है। देखिए सारे के सारे डाल देना है इसमें, एकदम अच्छा से इसको मिक्स करना है। देखिए मिक्स हो रहा है। कितना अच्छा लग रहा है देखने में इसका मसाला, देखिए। पानी डाल रहे हैं इसमें, पानी डाल दिए हैं। अब पनीर को डाल देना है, सारे के सारे पनीर को डाल देना है इसमें। डाल दिए सारे को, बिना मटर का पनीर बना रहे हैं। जैसे बहुत कोई बोलता है ना कि अच्छा नहीं लगता है बिना मटर का, लेकिन इस बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा एक बार इसी तरह। देखिए बन के तैयार हो गया है, देखिए हो गया है ना, सर रसा ज़्यादा दिख रहा है ना, इसको बंद कर देने से तैयार हो जाएगा। देखिए जम गया ना, देखिए ठंडा होने के बाद ये जम जाता है, गाढ़ा हो जाता है इसका रसा जो होता है। देखिए निकाल के देख रहे दिखा रहे हैं, देखिए कैसा दिख रहा है, कितना अच्छा लग रहा है देखने में। देखिए इसी तरह अभी अपना घर में ट्राई कीजिएगा, और वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए नहीं भूलिएगा, ज़रूर कर दीजिएगा, और शेयर करना नहीं भूलें। धन्यवाद।